हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हरा मूंग दाल चूड़ा बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हमें ज़रूरत है हरा मूंग दाल, जिसको मैंने पूरी रात के लिए भिगो के रखा, दो कटी हुई हरी मिर्च, ग्रेटेड अदरक, सफ़ेद तिल। सबसे पहले हम मूंग दाल को मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम मिक्सर ग्राइंडर में हमारी मूंग की दाल जो भीगी हुई है रात भर वो डालेंगे। अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च काट डालेंगे, ग्राइंड करी हुई अदरक डालेंगे और इसका हम एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। अब हमारा मिक्सर में घोल तैयार हो रहा है, इसको थोड़ा सा और पतला करेंगे। अब हमारा मिक्सर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको एक खाली बर्तन में निकालेंगे। अब इसमें हम टेस्ट के लिए नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब पिंच हम ब्लैक पेपर डालेंगे, पीसी भी ब्लैक पेपर जो कि हमने फाइन क्रश करी हुई है। अब हम इस मिक्सर को मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और हम अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। पहले हम अपना बैटर तवे पे स्प्रेड करेंगे विदाउट ऑयल। हल्का सा ऑयल स्प्रिंग करेंगे। अब इस पे हम अपने वाइट तेल को स्प्रिंकल करेंगे। अब चीले को 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे। गोल्डन होना शुरू हो गया है, हम स्पैचुला की हेल्प से इसको फ्लिप करेंगे। हमारा फ्लिप करके गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसको दूसरी साइड से देखेंगे। अब जल्दी से अपने घरों पे ट्राई करो रेसिपी को और कमेंट में करके बताना मत भूलना कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय।